बेबी आज वैलेंटाइन डे है और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा एक गिफ्ट लाया हूँ। क्या तोहफा लाए हो बेबी, दिखाओ। हैप्पी वैलेंटाइन डे। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? इतना छोटा सा एक फूल ले आए? मैंने तो सोचा कोई महंगा तोहफा लाओगे, और वैसे भी मैं सोचा कि तुम बहुत अमीर हो, इसलिए मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। लेकिन नहीं, तुम तो शक्ल से भी बहुत बदसूरत हो और पैसे से भी फटीचर हो। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, दोबारा मेरे साथ कोई कांटेक्ट मत करना, ठीक है? माही, मेरी बात। देख लिया आज मैंने, आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब जाएगा। अरे माही, तुम तो अभी भी पहले की बात लेकर अभी तक मेरे को ट्रोल कर रही हो। मुझे तो लगा ये सब तुम भूल चुकी हो, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। सब कुछ भूल चुकी हूँ, इसलिए तो लाइफ में मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ, वरना तुम्हारा जैसा फटीचर के साथ तो मैं मुँह भी नहीं लगाती। अरे माही, मैं कहाँ तुमसे मुँह लगा रहा हूँ, तुम ही तो मेरे से मुँह लगा रही हो। जाओ अपना काम करो। काम? तुम्हें पता है मैं कितनी बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ? और तुम्हारा तो औकात भी नहीं है कि उस कंपनी में जॉब तो छोड़ो कोई पियोन का भी नौकरी मिले। और हाँ, एक बात, जब से मैंने तुम्हें छोड़ा है ना, तब से मैं मेरी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। और हाँ, एक बात, तुम ना इधर से जल्दी से चले जाओ, क्योंकि मेरा बॉस आने वाली है और उनके साथ आज मेरा एक मीटिंग भी है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान को तो वो देखना भी पसंद नहीं करता। सो प्लीज इधर से जाओ। ओ हेलो मैडम, मैं तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, तुम मेरे पास आई हो। यू गो। हाय। हेलो, क्या कर रहे हो बेटा? बेबी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माही राइट? यस मैम। तुम्हारे साथ ही मीटिंग थी नहीं? एक्चुअली माही, मैंने तुम्हारा फाइल देखा और उसमें बहुत मतलब प्रॉब्लम है। तुम तो रोते रोते मेरे पास आई, मैम मुझे जॉब दे दीजिए, मेरे घर वाले नहीं तो मर जाएंगी, ये वो। मैंने तुम पे दया करके जॉब दे दिया और तुमने क्या किया, इतना घूस लिया तुमने। मेरा तो पूरा रेपुटेशन खराब हो गया तुम्हारी वजह से, बट फिर भी मैंने तुम्हें अब तक कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अब तुम फंस चुकी हो तो तुम मेरी मदद चाहती हो, तो मैं तुम्हारी और मदद नहीं करना चाहती। तुम प्लीज रिजाइन कर दो, मैं अपने कंपनी में तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय नहीं चाहती हूँ। और लेकिन मैं देखो, मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुमने मेरी बहुत नुकसान करवा दिया, अब मैं और नुकसान नहीं झेल सकती। आई एम सॉरी। चिंटू तुम बोलो ना मैम को। चिंटू, आप इसको कैसे जानते हैं? हाँ कुसुम, मैं इसे जानता तो हूँ, ये वही माई है जिसने मेरे साथ चिट किया था। हैप्पी वैलेंटाइन डे। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? ओह, ये है? हाँ। थैंक यू सो मच माही, तुमने मेरी बहुत मदद किया, वरना मुझे इतना अच्छा हस्बैंड कभी नहीं मिलता। उसने मुझ पे इतना इन्वेस्ट किया कि आज मैं इतने बड़े कंपनी की मालकिन बन पाई। और एक बात, तुम इतनी खराब हो, अगर मैं जानती तो मैं कभी तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब नहीं देती। स्टिल मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग रखती। व्हाटएवर, चलो हमें लेट हो रहा है, बाय। चलो चलो। बेबी तुम बहुत गुस्सा करती हो, और आज प्यार का दिन है तो आज मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा तोहफा लाया हूँ। क्या? हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू। वेलकम।